प्रोसीडिंग बोथ डायरेक्शन, दो सिद्धों में चलते हैं, आगे को भी पीछे को भी, फॉरवर्ड और रिवर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, इसी रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, फॉरवर्ड रिएक्शन पहले इसका होता है। देखिए हाइड्रोजन को जब हम आयोडीन से मिलाते हैं, आयोडीन में कलर होता है पर्पल। जब हाइड्रोजन आयोडीन से मिलता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाता है, जिसका कोई कारण नहीं, यानी कि आयोडीन का पर्पल कलर खत्म होना शुरू हो जाता है, पर्पल कलर खत्म होना शुरू हो जाता है और वो बेरंग हो जाता है। तो हमें समझ आ जाता है कि आयोडीन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिया और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, जिसका कोई कलर नहीं। शुरू शुरू में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में सारे रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो होती नहीं, तो रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो कलर लेस जो चीज बन रही थी, थोड़ी देर के बाद दोबारा आयोडीन का पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। हम इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो हम जब सोचते हैं हमें समझ आती है कि असल में हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट गया, टूट के उसमें हाइड्रोजन अलहदा हो गई, आयोडीन अलहदा हो गई, आयोडीन की वजह से पर्पल कलर दोबारा अपीयर होता है। शुरू शुरू में ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, वजह शुरू शुरू में प्रोडक्ट होती है नहीं, थोड़ी होती है, इसलिए प्रोडक्ट थोड़ी है, तो थोड़ी प्रोडक्ट भी जुड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो शुरू में फास्ट होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो होता रहता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएगा, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है शुरू में स्लो होता है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा उतनी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा, यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी स्पीड से प्रोडक्ट मिलके दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज जो होगी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। अब मैंने दोनों मिलाया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, डबल एरो 2HI बन गया। अब इधर मैंने डबल एरो लगा दिया, इसका मतलब है इन दोनों को मिलाया फॉरवर्ड और रिवर्स, ये फॉरवर्ड को शुरू कर रहा है और ये रिवर्स, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां मैं डायग्राम के लिए इसमें एनिमेशन किया है, अगर आप ये तो बड़े डायग्राम नजर आ रहे हैं, हम हाइड्रोजन लेंगे, ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आयोडीन दो है, हम छोटे छोटे डायग्राम लेंगे। अब होगा क्या, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे दूसरी हाइड्रोजन दूसरी, तो 2HI बनेगा। लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए हमें ध्यान में डबल एरो लगाना है। इसमें अगर आप पेज नंबर 3 पे देखेंगे ना, तो पेज नंबर 3 पे सिर्फ ये फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है, सॉरी रिवर्स पर रिएक्शन डिस्कस किया है, इक्विलिब्रियम को फास्ट रिएक्शन को स्लो रिएक्शन को डिस्कस नहीं किया। ये पेज नंबर 5 पे अगर आप देखें, पेज 4 छोड़ के और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पेज नंबर 5 को पेज 3 के साथ मिला पेज 3 पढ़े फिर पेज नंबर 5, तो आपको ये सारी बात समझ आएगी रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, ये सारी बातें उस पर लिखेंगे। पेज 3 और पेज 5 बस आज का लेक्चर यहाँ खत्म।